जय सिया राम मित्रों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मित्रों, अभी जो है हम देवभूमि उत्तराखंड में हैं। आजकल उत्तरकाशी से ऋषिकेश की तरफ जो है जा रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ में। पिछले एक हफ्ते से हम लोग अखंड बाल ब्रह्मचारी 13 विश्व रिकॉर्ड धारी गौभक्त देसी टार्जन जी के साथ में थे। बहुत ही शानदार ऐतिहासिक यात्रा थी और खास करके प्रकृति को समझने का, अपने देश को समझने का एक बहुत अच्छा मौका हम लोगों को भी मिला। पवित्र चौपड़धाम आश्रम भी गए, पूज्य गोपाल मणि महाराज जी की कर्मस्थली है जहाँ पर धेनु मानस जैसे महाग्रंथ की रचना हुई है। तो वहाँ पर के जा करके मित्रों हमने देखा कि किस तरीके से हिमालय सरीखे जो है इंसान को भी जो है जीवन में ऐसे कार्य करने चाहिए जैसे हिमालय से हम लोग सीख सकते हैं। और यहाँ की जो जीवन शैली है, दिनचर्या है, भाई अद्भुत है। देखिए पीछे सुशील मिश्रा भाई हैं, अयोध्यावासी, और अवनीश तिवारी गोलू भाई हैं, इधर सूर्या पंडित डाबला हैं, और इधर जो है ये देखिएगा ड्राइविंग सीट पे हमारे पायलट साहब हैं पिंकू मिश्रा पवन जी। और पहले अमेठी वासी थे, अब तो मूल रूप से अयोध्यावासी हो गए हैं। जी जी भैया, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस। ड्राइविंग करके मजा आया पहाड़ों में? ड्राइविंग करके बहुत मजा आया। अच्छा, और यहाँ के लोगों से जब हम लोग मिले? जी जी जी। पहली बात तो हम अपने ही प्रदेश में आए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये हमारा ही उत्तर प्रदेश ही है। 2000 से पहले अविभाजित, 2000 के बाद उत्तराखंड हो गया। बिल्कुल भाई, हम कल जब ऊपर थे तो आपने शायद ध्यान नहीं दिया है। हाँ जी भैया, एक आदमी वहाँ कह रहा था, हाँ जी, हाँ जी, कि काश ये उत्तर प्रदेश में ही होता, हाँ, तो हमें बुलडोजर बाबा जैसा मुख्यमंत्री मिला होता है। जबकि सही बात है, कल की बात है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, योगी तो बाबा का घर भी यही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो और यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में ही होते, लेकिन ठीक है, समय के हिसाब से बिल्कुल 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 परिवर्तन करना पड़ता है, होता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, यहाँ की जीवन शैली कैसी लगी? यहाँ की जीवन शैली बहुत ही दुर्गम है एक तरह से। अच्छा, इसमें सरकार का बहुत बड़ा योगदान है कि 20-20 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ों पे पानी और सारी सुविधाएं मुहैया करा रही है सरकार। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए, हमारे कुछ और फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। ये सुशील मिश्रा, अयोध्या वासी। सुशील भैया, अयोध्या से जो है देवभूमि उत्तराखंड की यात्रा कैसी रही, क्या कुछ अनुभव है, शेयर करिए। बहुत ही शानदार यात्रा रही जी, अद्भुत, अकल्पनीय जी, और बहुत ही आध्यात्मिक ऊर्जा, यानी शरीर के अंदर एक आध्यात्मिक एनर्जी का जो है संचार हुआ यहाँ आने के बाद। क्योंकि हिमालय एक ऐसी जगह है जी जी, जहाँ पे आने के बाद, चूंकि यहाँ संत तपोभूमि कह सकते हैं, देवभूमि तो है, बिल्कुल, लेकिन ये तपोभूमि भी तमाम ऋषि मुनियों ने यहाँ कठिन तप किया है। हाँ जी, तो आज भी उनकी एनर्जी, हाँ जी, जो यहाँ आता है उसको कहीं ना कहीं उसका अंश मिलता जरूर है। बिल्कुल, आज हम लोग भी आए हैं। अच्छा भैया, आज जो है हम लोग समुद्र तल से 20,000 मीटर ऊंचाई पे हिमालय की गोद में पवित्र चौपड़धाम आश्रम गए। जाने का जो रास्ते का एक्सपीरियंस था बेहद डरावना था, बहुत ही दुर्लभ, दुर्गम जगह है हम लोगों के लिए। हाँ, हम लोगों के लिए बिल्कुल पहली बार आए, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सुशील भाई? चूंकि हम लोग पहाड़ों पे पहली बार आए थे, इतने ऊंचे पहाड़ों पे। हाँ जी, हाँ जी, पहाड़ों पे कई बार गए हैं। हाँ जी, लेकिन देश के जो अन्य भाग है वहाँ के जो पहाड़ है दूसरे तरीके के हैं। हाँ जी, लेकिन हिमालय चूंकि सबसे ऊंचा पहाड़ माना जाता है। हाँ जी, हाँ जी, और हिमालय पे चढ़ना बहुत ही बड़ी बात होती है। बिल्कुल, तो आज हम लोग जब जा रहे थे तो बहुत ही रिस्की रास्ता था। हाँ, इतना घुमाव और नीचे जो है हजारों फीट नीचे खाई, हाँ, तो देख के डर लगता था। हालांकि जब आदमी डर से गाड़ी चलाएगा या ड्राइव करेगा, हाँ, तो वो कंट्रोल में रहेगा, कंट्रोल में रहेगा, डर के आगे जीत है। लेकिन इतनी नीचे, हजारों फीट नीचे खाइयां दिखाई जब दे रही थी, तो डर तो सबको लग रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, गला सबका सूखता है। माउंटेन ड्यू पीना चाहिए। बिल्कुल, ये देखो अवनीश भाई हैं जी। अवनीश भाई, अयोध्या टू ऋषिकेश और उत्तरकाशी देवभूमि की यात्रा कैसी रही? बहुत मजा आया। हाँ, बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसे पहाड़ के ऊपर में चलना, हाँ, कभी सोचा नहीं था कि इतनी ऊंचाई पर हम लोग जाएंगे। अच्छा, वो भी गाड़ी से अपनी। अच्छा, और इस तरह से रास्ता था, टूटा फूटा रास्ता। हाँ, हाँ, गाड़ी चल रही थी, डर लग रहा था, नीचे देखने में भी डर लग रहा था कि कहीं, हाँ, हम लोग गिर ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा रास्ता था। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, पहाड़ की लाइफ स्टाइल कैसी लगी आपको? यहाँ के लोगों के लिए तो अच्छी है, अभी, हाँ, हम लोगों को थोड़ा समझने में टाइम लगेगा यहाँ पे। अच्छा, और हम, क्योंकि हमारे यहाँ समतल मैदान है, हाँ, हाँ, सब रोड भी समतल है। अच्छा, हमारी यहाँ की लाइफस्टाइल अलग ही है कुछ, और यहाँ के लोगों के लिए कुछ अलग ही है। तो बिल्कुल, यहाँ के लोगों के लिए यहाँ की लाइफस्टाइल अच्छी है। बिल्कुल। सूर्या पंडित भाई है हमारे साथ में, क्या कहना चाहते हो भाई, कैसी रही तुम्हारी एक्सपीरियंस?
बॉडी जो है बहुत सूर्य पंडित देखो यात्रा में थोड़ा सा थक गए हैं तो हल्का सा अपने अपनी बॉडी को रिलैक्स दे रहा था, मसल को रिलैक्स कर रहे हैं, देसी टार्जन जी से सीखा इन्होंने। जो है यहाँ पे आने के बाद यहाँ का जो माहौल रहा, मौसम जैसा इतना सुहाना है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरा तो मन ही नहीं हो रहा यहाँ से वापस जाने। अच्छा, यहीं बस जाना सोच रहा हूँ, यहीं पे रहूँ। अरे बाबा, जो है तो टार्जन जी के साथ आप यहीं चौपड़ धाम आश्रम में रहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, पहलवानी सीखिए, सपाटे दंड बैठक लगाइए। मेरा भी मन था कि यार किसी पहाड़ी पे जा करके यहीं पे मैं भी तपस्या साधना करूं। साधना करूं। अच्छा, वाह जी वाह।